हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर। इसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। आज मैं आपके लिए करने वाली हूं आपकी शादी किससे होने वाली है इस पर रीडिंग, यानी कि हु विल यू मैरी। इस पर पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। यहां पर मैंने दो ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं। पहला है आपका टाइगर आई एंड सेकेंड है आपका रेड टाइगर आई। इनमें से कोई भी एक आपको चूज़ कर लेना है। अगर आप दोनों ना चाहें तो बिल्कुल चुन सकते हैं, या फिर दोनों सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको चुनना है, या फिर अगर आपको दोनों स्टोन अपनी तरफ अट्रैक्ट हो कर रहे हैं तो आप दोनों भी चुन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो पायल फर्स्ट है वो ये है, सेकंड पायल जो है ये वाला ब्रेसलेट है, ठीक है। मैं पास से दिखा देती हूँ आपको। ओके, ये है पायल फर्स्ट, ये है पायल सेकंड। तो ये है आपका टाइगर आई, ये है आपका रेड टाइगर आई। दोनों में से आपको जो भी चूज़ करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप सीधा अपनी वीडियो को देख सकते हैं, और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इसको देख सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें, कमेंट में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, एंड मेरे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, जल्दी से चूज़ कर लीजिए। जनरल रीडिंग है गाइस, तो परफेक्टली रेजोनेट हो, ये ज़रूरी नहीं जितना भी पर्सन आपसे रेजोनेट हो उतना आपको रख लेना है, बाकी का आपको जाने देना है, ठीक है। सो आई होप कि आपने अब तक चूज़ कर लिया होगा। अगर चूज़ नहीं भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को पॉज करें, आराम से अपना टाइम लेते हुए अपने वीडियो को, अपने पाइल को चूज़ करें और वीडियो देखें, आराम से इन्जॉय करें, ठीक है। मिलती हूँ आपसे पाइल फर्स्ट में। हेलो पाइल फर्स्ट, जिन्होंने भी टाइगर आई को चूज़ किया था, चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। इसको हम इधर रख देते हैं। लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। इसमें हम टाइमिंग भी देखेंगे, ठीक है। इनिशियल्स भी चेक करेंगे आपके पार्टनर के, किस नाम से शुरू होंगे। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं उनकी क्वालिटीज, नेचर। वाओ, सो पहला है यहाँ पर टू ऑफ कप्स। देन है आपका एट ऑफ कप्स। एट ऑफ वांड्स, एट एंड एट। तो एट नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है पाइल फर्स्ट, एंड सिक्स। एट नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। सिक्स प्लस टू, किंग ऑफ पेंटिकल। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, पाइल फर्स्ट बॉटम में है आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्सक्यूज मी, नाइन ऑफ वांड्स एंड डेथ कार्ड। उसके साथ में है आपका एम्परर। ओके, पाइल फर्स्ट, मुझे नहीं पता ये जो मैसेज मैं बोलने वाली हूँ, जो चैनल मैसेज है मेरे लिए, किससे रेजोनेट होगा किससे नहीं। होप आपके लिए सही साबित हो, गुड रहे, लक रहे आपका, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। ओके, सो पाइल फर्स्ट, यहाँ जो पहला चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह का है कि आप में से कुछ लोग अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके शादी करेंगे, ठीक है, और किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। मतलब ये जो पेरेंट्स के खिलाफ जाके शादी करना है मंदिर में वगैरह ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे पाइल फर्स्ट, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लक के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक लक इन द सेंस कि आपके जो पास्ट लाइफ के कनेक्शंस रहे हैं इस इंसान के साथ में, वो किस लेवल पे किस तरीके से रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आने वाला फ्यूचर आपको कहाँ लेके जाएगा। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे जो मेरे चैनल मैसेज हुआ है वो ये है कि अगर आप अपने पार्टनर से, पेरेंट्स के खिलाफ जाके शादी करते हैं तो यहाँ पे लक आपका साथ देगा, और अभी अगर उनका कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है भी वो आगे चल के नहीं रहेगा। मुझे नहीं पता ये मैसेज कितनों से रेजोनेट होगा, किसके लिए है, किसके लिए मुझे पता है, मुझे नहीं पता, वो सुनाई दिया मुझे, मैसेज आया चैनल का, सो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। सो यहाँ जो मैसेज आए हैं उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको
अगर आप ऐसा करना चाहते हो, हर किसी को मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़े से टेस्ट ज़रूर ले लीजिएगा, लॉयल्टी टेस्ट, ठीक है? क्योंकि अगर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। ऐसी मतलब भावनाओं में आके आप आगे ना बढ़े, नहीं तो आपको पता चले पास्ट में लास्ट में जाके। बिकॉज अगर आप यहाँ गौर से देखें, एक तरफ वाइट लाइट है और एक तरफ ब्लैक लाइट है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, यहाँ पे ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाइट है एंड यहाँ पे इधर ब्लैक है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, किसी का पॉजिटिव होगा पार्टनर, किसी का नेगेटिव होगा। यानी कि आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन यानी कि पिछले जन्म का जो कनेक्शन था, अगर वो आप दोनों का हुआ कार्मिक, तो यहाँ पे भी वो आपको काफ़ी टाइम यू नो पेनफुल साइकिल देगा, आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों के जो पास में वाइट सोल से अगर आप दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा रहा है, इन द सेंस कि आप और वो एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी रहे, वो आपसे वो आप उनसे जुड़े रहे, यू नो एक सोल लेवल पे, एक ट्विन फ्लेम लेवल पे, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी रहेंगे। भले ही फिर आप घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करें तो भी आप दोनों का लग एक दूसरे के साथ रहेगा। आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, वो अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत प्यार से रहेंगे, एकदम इनोसेंट चाइल्ड की तरह रहेंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पपी और एक बेबी है, यहाँ पर किस तरीके से मिलजुल के काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे रहेंगे आप। बहुत ही इनोसेंट रिलेशन होगा आपका। अगर आप लोग में से कुछ लोग अरेंज करने वाले हैं ये शादी पाइल फर्स्ट में, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, अगर आप लोग अरेंज मैरिज शादी करने वाले हैं या फिर आप जिससे भी बॉयफ्रेंड है और आप दोनों का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है लाइक भागने वाला वगैरह का, आप अरेंज ही करवाना चाहते हैं, तो यहाँ हो सकता है पहली चीज़ तो आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बिकॉज एट ऑफ वॉन्स है यहाँ पर। तो मुझे चैनल हुआ है मैसेज कि आप में से हो सकता है कि जिससे भी आप शादी करें आगे चल के, वो आप में और उसकी सिटी में थोड़ा सा डिस्टेंस हो, यू नो आप और वो थोड़े से लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर जो सिटी है कंट्री है वो अलग हो आप दोनों की, कहीं दूर दूर हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको हो सकता है कि ट्रैवल करके जाना पड़े या फिर उनको ट्रैवल करके आपकी तरफ आना पड़े, जैसा भी हो। हो सकता है कि आपके पार्टनर भले ही लोकल सिटी के हों, जहाँ पे भी रहते हों, लेकिन आप शादी के बाद कहीं दूर जाएं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? किसी के लिए तो उनका जो इन लॉज होंगे वो ही काफ़ी दूर होंगे, लेकिन किसी किसी के लिए अगर आपके इन लॉज लोकल में है लेकिन आपको आफ्टर मैरिज बाहर यू नो दूर जाना पड़ेगा, कहीं अगली सिटी में या फिर जो भी है, मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं पता कि कंट्री में जाएंगे या फिर सिटी में, लेकिन आप हो सकता है कि शादी के बाद ट्रैवल बहुत करें। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस, मेल फीमेल जो भी हैं, ट्रैवलिंग से जुड़े हुए किसी काम में हो, वो यात्रा बहुत करते हों, ट्रैवल काफ़ी करते हों। हो सकता है आपके पार्टनर को ट्रैवल करना बहुत पसंद हो और आप दोनों को ही ट्रैवल करना बहुत पसंद, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी फन लविंग होंगे और काफ़ी अटैचमेंट रहेगा उनका आपसे, मतलब अटैचमेंट इन द सेंस कि कहीं भी जाएंगे वो, चाहे दोस्तों के साथ जा रहे हों, फैमिली मेम्बर के साथ जा रहे हों, आपको हमेशा याद रखेंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे, हर एक चीज़ की अपडेट आपको देंगे, मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, पति या पत्नी, जिसके लिए भी आप ये देख रहे हैं, हर एक चीज़ की अपडेट आपको देंगे, मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वीडियो कॉल कर लेना या फिर पिक्चर्स भेज देना, जैसे भी उनका स्टाइल होगा, मुझे नहीं पता इतना डीपली जाके, लेकिन हाँ वो आपको हर एक चीज़ की अपडेट देंगे कि मैं अब यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, आपको भी होना चाहिए था, आपको हमेशा मिस करेंगे। अगर कहीं बाहर जाएंगे, अगर मेल फीमेल आप देख रही हैं तो कहीं बाहर जाना तो आपके लिए कोई तोहफा लेकर आना, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ की अपडेट देना, आपसे हर एक चीज़ की परमिशन लेना, मेरे दोस्त वहाँ जा रहे हैं क्या मैं भी चली जाऊँ, या मैं भी यू नो जो भी जैसा भी स्टाइल हो उनका, जो भी स्टाइल है। लेकिन यहाँ पे आप दोनों के बीच में अटैचमेंट बॉन्डिंग बहुत लेवल की रहेगी, मतलब एक आउटस्टैंडिंग लेवल। आप दोनों की अगर मैं जोड़ी देखूँ पाइल फर्स्ट, तो कहीं ना कहीं एक आइडियल पर्सनैलिटी होगी, मतलब लोग देखेंगे तो कहेंगे कितना रोमांटिक कपल है, ठीक है? आपके पार्टनर किसी किसी के लिए हो सकते हैं, किसी किसी के लिए, आप दोनों में से कोई एक इंसान इंट्रोवर्ट होगा, ठीक है? आपसे मतलब, अपने काम से मतलब, बाकी किसी और चीज़ से मतलब नहीं, यानी कि अपने पति या पत्नी से मतलब, बाकी अपने काम से मतलब, और बाकी वो किसी भी बकवास पे ध्यान नहीं देंगे, वो उनका नेचर होगा। आप दोनों में से कोई एक इंसान होगा जिसको दुनियादारी, अपने काम, आसपास के लोग, सारी चीज़ों से मतलब होगा, मतलब कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट। और जब दोनों अलग अलग कपल्स मिलते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ लेवल पे आना शुरू हो जाती है, राइट? तो आप लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस रहेगा, मतलब अगर आप दोनों कभी मिले नहीं हो, अरेंज मैरिज है या फिर आपकी लव मैरिज भी है, तो भी आप दोनों में काफ़ी डिफरेंस हैं। तो यहाँ पे टू ऑफ कप्स के अकॉर्डिंग आप दोनों को हर रोज़ अपने आप में एक दूसरे में एक नया नेचर दिखेगा, उनको आप में, आपको उनमें, यू नो आप एक दूसरे को धीरे धीरे समझेंगे, या फिर अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं एक दूसरे से तो आप
समझ चुके हैं स्टेप बाय स्टेप, और शादी के बाद आप और इनको डीपली जानेंगे। अभी हो सकता है कि आपने इनका नेचर समझ लिया हो कि हाँ भाई फ्रेंडली है कि नहीं है, कैसा क्या नेचर है, ये आपने समझ लिया है। लेकिन आगे चल के जब आप दोनों की शादी होगी तो और ज़्यादा डीप में समझोगे, तो जो फीलिंग्स है वो और डीप डाउन जाती चली जाएंगी गहराई में, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित रहेगा एक तरीके से। बिलो फॉर्चून जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है, तो डेस्टाइन कनेक्शन होगा आप दोनों का। डेस्टाइन इन द सेंस कि रब ने बनाती जोड़ी, यानी कि स्वर्ग में बनाई हुई जोड़ी, मेड फॉर ईच अदर टाइप कनेक्शन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लकी आउटस्टैंडिंग कनेक्शन होगा आप दोनों का। एक आइडियल पर्सनैलिटी होंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पास्ट में किसी रिलेशन से मूव ऑन करके आए, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे किसी इंसान से मूव ऑन करके आए और फिर उनके बाद में ये आपका नेक्स्ट आने सेकंड रिलेशन हो जो आपके लिए एकदम भाग्यशाली साबित होगा। किसी किसी के लिए आपका फर्स्ट रिलेशन आपके लिए इतना लकी साबित नहीं रहेगा। मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए मैरिज हो, लेकिन कुछ लोगों के अरेंज हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसी, ठीक है। कुछ लोग हैं जो पास्ट में अगर किसी से मूव ऑन करके आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एट ऑफ कप्स है, तो मे भी हो सकता है कि आप पास्ट में किसी इंसान से मूव ऑन करके आए एंड देन फिर आगे चल के आपको कोई शख्स मिले या फिर अरेंज मैरिज के थ्रू आपकी शादी हो, लेकिन वो कनेक्शन आपके लिए डेस्टाइन साबित हो, मतलब लव मैरिज से भी आउटस्टैंडिंग। इतना प्यारा कनेक्शन, बहुत ही प्यारा कनेक्शन मिलेगा आपको, वाइफ हस्बैंड जो भी, जिसके लिए भी आप ये देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा रिलेशन होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अपने पास्ट रिलेशंस की यानी बैड एक्सपीरियंस की वजह से अगर आपने खुद को थोड़ा सा बंद कर लिया है, मतलब थोड़े से आप रिजर्व हो गए, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को ओपन करें, लोगों से जुड़ें, कनेक्शन आगे बढ़ाएं, ताकि आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सके। या फिर आपके पार्टनर को कभी आपके साथ में रहकर ये ना लगे कि खड़ूस इंसान है, क्या खड़ूस इंसान है ये, इसके साथ तो मुझे कभी भी मतलब कंफर्टेबल फील हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने नेचर को थोड़ा सा ब्रॉड करें, थोड़ा सा अपने आदतों को सुधारें, किसी और की वजह से आप अपने लाइफ को खामों का जज ना करें, स्पॉइल ना करें अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। नेट नाउ देखते हैं आपके इंसेस्टर्स के क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी, बी द लाइट। आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप जैसे डील कर रहे हैं वो हीलर हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, चूज योर पाथ। ओके, तो आप में से कुछ लोग हीलर बनना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आपको मोटिवेशन मिले ना आप इस फील्ड में जाएं आगे, हीलर किसी भी लेवल पे, डॉक्टर हो सकते हैं आप एक लेवल पे, मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता है प्रोफेशन। Excuse me. Okay. ओके, देखिए आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब आप अपने पार्टनर से मिलें तो आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आए। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि आप काफ़ी चेंज महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पहले काफ़ी ज़्यादा आपको नींद का प्रॉब्लम हुआ करता था, तो आप अपने पार्टनर से मिलने के बाद प्रॉपर नींद ले पाएंगे, गहरी नींद आपको आएगी, रिलैक्सेशन काफ़ी रहेगा आपको, ठीक है। और जो मैं फील कर पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ में एक लेवल पे अप फील करोगे। लाइक आप अभी यहाँ हैं तो आप अपने आपको काफ़ी मोटिवेट
फील करेंगे, आप खुद भी मोटिवेट होंगे, लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। एक हीलिंग एनर्जी, मतलब आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेगी एक हीलिंग एनर्जी मिलेगी, और वही हीलिंग एनर्जी या तो आपको हीलर बनने के लिए मोटिवेट करेगी, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी कोई हीलर हो जिससे आप डील करेंगे, और या फिर जिससे आप शादी करेंगे, जिससे आप आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, जिसके साथ आपकी फैमिली होगी। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के जो पार्टनर हैं वो सनशाइन से जुड़वा कुछ पर्टिकुलर है उनका, कुछ यू नो लाइक दिखते कुछ और हैं, होंगे कुछ और, मतलब दिखाते हैं काफ़ी रूड, दिखाते हुए काफ़ी रूड है, लेकिन वो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होंगे, ठीक है। एक मदरली नेचर होगा उनका, ठीक है। वो भले मतलब जिनसे वो मतलब नहीं रखते ना, मतलब जो कि उनके लिए खास होते हैं, उनके लिए जान भी हासिल, लेकिन जिनको वो जानते नहीं उनसे वो मतलब भी नहीं रखेंगे। भले वो सामने वाला उनसे मतलब रखे ना रखे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो किसी का मतलब नहीं रखेंगे। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं स्नेक है, तो स्नेक की एनर्जी बता रही है, स्नेक की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन जो भी हैं उनसे सामने वाले पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्शन रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो किसी से कनेक्शन नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका नेचर है ये, और वो किसी से मतलब नहीं है। और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि उनकी आदत होगी चीज़ों के अकॉर्डिंग बदलना, लाइफस्टाइल को चेंज कर लेना, ये सब कुछ उनके लिए काफ़ी नॉर्मल रहेगा। यहाँ पर मुझे ट्राइंगल बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। आप रीडिंग में देखें तो ट्राइंगल बहुत ज़्यादा है, इसमें भी है, यहाँ पर भी ट्राइंगल बन रहे हैं, यहाँ पर भी ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पर भी ट्राइंगल है, बहुत सारे ट्राइंगल हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर आपके तो हस्बैंड या वाइफ होंगी ही, लेकिन उनको कोई और भी पर्सन चाहेगा, ठीक है। हो सकता है, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, इक्का दुक्का लोगों के लिए हो गए, यानी कि एक दो लोगों के लिए ही हो गए, ठीक है। लेकिन हाँ, चैनल मैसेज है तो मैं इग्नोर तो नहीं कर दूँगी ना, बिकॉज एनर्जी मिल रही है तो इग्नोर नहीं कर सकते, आप भी समझते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर के कुछ लवर्स हो सकते हैं, लेकिन खुश नसीबी ये होगी कि वो आपके अलावा किसी को और नहीं देखेंगे, समझ रहे हैं, आपके अलावा किसी को भी नहीं देखने वाले। सामने वाला कौन है, क्या है, इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप उनके लिए क्या सोचते हो ये चीज़ उनके लिए जो है मायने रखती है। इनिशियल्स देखते हैं और कुछ चांस देखेंगे हम आपके लिए, इसमें कुछ जॉडियक साइन भी कवर हो सकते हैं, दोनों मिक्स हैं, मतलब इसमें दोनों मिक्स हैं, देखते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। 1 2 3 कुछ और निकालूं क्या? ओके, लेट्स सी। ओके, नेबी से हो सकते हैं आपके पार्टनर, नेबी में से, या फिर सीक्रेट एजेंट समथिंग, कुछ हो सकता है यहाँ पे, कोई सीक्रेट एजेंट हो। हॉलीवुड मूवी कुछ ज़्यादा ही पसंद हो सकती हैं, या फिर समुद्र से जुड़ा कोई काम हो सकता है उनका, या फिर होता है समुद्र शास्त्र में उन्हें महारत हासिल हो, समुद्र शास्त्र इन द सेंस की जैसे कि हस्तरेखा हुई, टैरो कार्ड रीडिंग हुई, और कोई भी किसी का भी भविष्य जानना हुआ, ये सब समुद्र शास्त्र में आते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, या हो सकता है आपके पार्टनर को आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो समुद्र शास्त्र में, और काफ़ी उनको महारत हासिल हो इन सब चीज़ों में, हस्तरेखा में महारत हासिल हो सकती है उनको, टैरो रीडिंग में महारत हासिल हो सकती है, वो वीदा लाइट यानी कि वो हीलर हो सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर हीलर हो सकते हैं, ठीक है। विंग्स हैं यहाँ पर, तो मे बी तो उनमें काफ़ी एंजेलिक एनर्जी होगी, जैसे कि मैंने बोला कि जब आप उनसे जुड़ेंगे, यहाँ पर भी विंग्स हैं, 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 यानी कि एक साक्षात एंजल, भले ही वो मेल हो, डजेंट मैटर, उनके अंदर एक एंजेलिक पावर होगी, एक एंजेलिक स्ट्रेंथ होगी, आपको भी स्ट्रेंथ देंगे वो, ठीक है। यहाँ पे है आपका कैमरा एंड वीडियो रिकॉर्डर, तो मे बी किसी के लिए कुछ किसी फील्ड के डायरेक्टर हो सकते हैं, ओके। और डायरेक्टर अगर वगैरह नहीं है, डायरेक्टर वगैरह, तो रील्स वगैरह काफ़ी बनाते होंगे, या फिर हो सकता है कि उनका अपना खुद का चैनल हो, लाइक जैसे मेरा है, हो सकता है उनका भी कोई चैनल हो, या फिर कोई पेज हो, या फिर कुछ भी हो जहाँ पे वो कुछ इस तरह का कुछ क्रिएटिव करते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पर्टिकुलर टैरो का रीडर ही होंगे, लेकिन हाँ जो भी करते होंगे वो अपना कुछ का कुछ क्रिएट करते होंगे, ठीक है। और वीडियो से होता है कि आप अगर वीडियोस बनाते हो तो वो आपकी वीडियोस यू नो सीन करते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर आप यहाँ देखें तो दो एंजल्स आपको यहाँ नज़र आएंगी, ओके, मैं पास से दिखा देती हूँ, देखिए दो एंजल्स हैं यहाँ पर,
ये जो एंजल्स हैं, मे बी हो सकता है कि आप में दोनों में ही एंजल एक पावर हो, या फिर हो सकता है कि आपको आफ्टर मैरिज दो बेबी ट्विंस हो और उन आपकी बेबीज में एंजल एक पावर हो, मीन्स आपकी जो बेबी होंगे वो काफ़ी एंजल एक होंगे, काफ़ी ज़्यादा वो पावरफुल होंगे, आप हो सकता है आपके लिए आपके बच्चे भी काफ़ी लकी रहे। नाउ इनिशियल्स देखते हैं, यहाँ पे है आपका डब्ल्यू एम एफ बी एक्स, किसी किसी के लिए आपके एक्स से भी आपकी शादी हो सकती है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले आप टेस्ट करके देखें, लॉयल्टी टेस्ट, कि भाई एक्चुअल में डिजर्व करता है या नहीं। वो जो लोग भाग के करने की जुगाड़ में है, भाई यही कहूँगी मैं कि एक बार लॉयल्टी टेस्ट कर लेना, इतना बड़ा फैसला हवा में मत लेना, वरना पता पड़े पछताना पड़ गया। ठीक है, एल एम अगेन एस टी ओ, सरनेम हो सकता है, नाम हो सकता है, डब्ल्यू सिटी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, ओके गाइस, तो ये थी आपकी पायल फर्स्ट रीडिंग। आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर मुझे बताएं, वो वीडियो कैसी लगी और क्या आपका जो भी मैंने क्वालिटीज़ बताएं कि आपके पार्टनर से रेजोनेट हुई या नहीं। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर करें और मेरे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो पायल टू, कैसे हैं आप सब जिन्होंने भी रेड टाइगर आई के ब्रेसलेट को चूज़ किया था। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, किससे होगी आपकी शादी, क्वालिटीज़ क्या होंगी, नेचर क्या होगा, ये सब कुछ हम देखेंगे और किस तरीके से आप मिलेंगे ये भी हम देखेंगे। सो लेट्स सी किस तरीके से आप मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये सब कुछ हम आज इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें अपने इस वीडियो को लेकर आपको कैसे रहे, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइज, और थैंक्स अ लॉट, ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहें। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा, कैसे होंगे वो दिखने में। लेट्स सी, इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल वगैरह एंड अदर्स भी, सेम जेंडर्स के लोग भी देख सकते हैं। ओह वाओ, पहला ही कार्ड है आपका जजमेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल, ओके, बॉटम है आपका एम्परर, वाओ, इन कार्ड्स को तो मैं लूंगी, हर्मिट एंड एम्प्रेस, वाओ, टेन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, एंड फिर उसके बाद है आपका फाइव ऑफ वांड्स। ओके, सो आप में से कुछ लोगों की इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, यानी कि आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट लगाने होंगे, मैं ये नहीं कहूँगी थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे, थोड़े ज़्यादा एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे पायल टू, जिन्होंने भी रेड टाइगर आई को चूज़ किया है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज करें और लव मैरिज, बिकॉज इंटरकास्ट लव ही होती है और इनसे कोई करता नहीं है। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करें, आप धर्म भी अलग हो सकता है आपका, जो भी है अलग होगा, हर किसी के लिए नहीं है लेकिन किसी किसी के लिए है। ठीक है, आपको अपनी फैमिली को बनाने में थोड़े ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आपका कास्ट इशू है, धर्म का इशू है, तो थोड़ा सा आप दोनों के बीच में फैमिली क्रैशेस हो सकते हैं, लाइक मानेंगे नहीं वो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि मानेंगे ही नहीं, मानेंगे नहीं लेकिन मान जाएंगे।
क्यों? क्योंकि आप एफर्ट लगाएंगे, आप कोशिशें करेंगे, आप बनाएंगे उनको, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग थोड़े से क्लैशेस तो होंगे फैमिली में। एक को मनाएगा, दूसरा रूठेगा, दूसरे को मनाएंगे, पहला रूठेगा, तो यही चलता रहेगा, लेकिन आखिर में जाते जाते जो है मान जाएंगे। आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ये नहीं है आप हार मान जाएं कि नहीं अब तो मान ही नहीं रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा, तो नहीं हो जाएगा, रिलैक्स रखें, ठीक है। आप बस गो विद द फ्लो जाएं, ईश्वर के साथ में अपना सब कुछ शेयर करें, मतलब किसी इंसान से शेयर ना करने के बजाय अगर आप चाहें तो किसी मतलब आपके पास तस्वीर है, मंदिर है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके आप बोल सकते हैं। अपनी बातें केवल और केवल ईश्वर से ही शेयर करें, ठीक है, यूनिवर्स से, एंजल से, सबसे शेयर करें, किसी व्यक्ति से शेयर मत कीजिएगा। पाइल टू के लिए शेयरिंग बहुत ज़्यादा बुरी रही है, क्यों? क्योंकि ये आपके लिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं आपके आसपास जो कि यू नो रहते तो साथ में हैं लेकिन ठीक नहीं है आपके लिए, ठीक है, मतलब कि कैसे बोलूँ, आस्तीन का सांप, ये सबसे बेहतरीन वो है, आस्तीन का सांप रहेंगे आपके साथ में लेकिन आप ही को धोखा देंगे, ऐसे लोग हैं आपके अराउंड। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि आप अपने दिल की बातें किसी से भी शेयर ना करें, इवन अपने लव रिलेशन को लेके, अपने दोस्तों से भी नहीं, रिश्तेदारों से भी नहीं, अपने पेरेंट्स से आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने मनाना है आपने, तो आप उन्हें मनाएं और कोशिश करें जो है अपने एनर्जी को फैलाने की। अपने पार्टनर को हमेशा समझा कर रखिएगा, आपके पार्टनर भी अंडरस्टैंडिंग होंगे, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज वो भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए, फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने पार्टनर को समझा के चलना पड़ेगा कि मैं ऐसा करूँगा तो इसका ये रीज़न होगा, तो आपको समझना पड़ेगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आप समझे नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, समझ आया मैंने क्या बोला? यानी कि मान लीजिए अगर आपने पेरेंट्स को ये यकीन दिलाने के लिए, कुछ भी है उनको मनाने के लिए, आपने अपने पार्टनर से बात करना केवल दिखावे के लिए बंद कर दिया, अगर आपके पार्टनर को पता है कि ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा है बात ना करना, इग्नोर करना, तो उनको ये चिढ़ नहीं होगी कि अरे मेरे को इग्नोर क्यों कर रही है, लगता है इसको कोई और मिल गया, ये मूव ऑन कर गई। तो अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उन्हें बता कर करें, अदरवाइज आपके पार्टनर के मन में ये शंका हो जाएगी कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। पलटू तो बहुत सोच समझ के आगे आपको बढ़ना है। एम्परर है यहाँ पर, एम्प्रेस है, तो फ्रॉम मिलाई जोड़ी है, ईश्वर ने बनाई जोड़ी है, यूनिवर्स ने बनाई जोड़ी है, मतलब स्वर्ग में जोड़ी बनाई गई है, हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पर हैं, और क्या ही चाहिए किसी को, बताएं आप क्या चाहिए किसी को भाई। इसीलिए आपको थोड़ा सा सोच समझ के प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन काफ़ी होंगे, फैमिली भी, दोस्त भी, एनर्जीज भी, कार्मिक भी, और कुछ और अदर भी अगर आ जाएंगे तो। लेकिन बॉटम का जो कार्ड है फाइव ऑफ वॉन्स, लेकिन स्टार्टिंग का जो कार्ड है वो क्या है, जजमेंट, यानी कि प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगी। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको उन सारी सिचुएशंस को, किस तरीके से मैनेज करना है, मैनेजमेंट आपका जो प्रोसेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है, अपनी एनर्जीज को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को काफ़ी इंट्यूटिव बनाना होगा, हीलर की तरह एक आपको वो करना होगा, यू नो कोई भी एक्शन लेने से पहले अपनी इंट्यूशन की सुनना, किसी भी तरह की सिचुएशन से आगे निकलने से पहले समझना सिचुएशंस को, राइट। और बाकी सब ठीक रहेगा आपके, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है इस लेवल पे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यानी कि क्या करना है एक्टिविटी क्या नहीं करना है। डेथ कार्ड, डेथ कार्ड यहाँ पर है तो ये बताता है कि जैसे ही आपकी शादी होगी आपके पार्टनर से, आप और आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन बिगेस्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि पता नहीं किसी किसी के लिए होता है कि आपके पार्टनर ने फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस किए हैं, किसी के लिए हो सकता है फैमिली इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं उनकी लाइफ में, लाइक या तो उनके पेरेंट्स में से कोई एक नहीं रहा है या उनके पेरेंट्स ही नहीं रहे, सॉरी फॉर दैट अगर आपको बुरा लगे तो। लेकिन हाँ जो दिख रहा है मुझे किसी किसी के लिए वो ये है, या तो मतलब पेरेंट्स हैं लेकिन करना खुद को सब अकेले पड़ा, मतलब एक जिम्मेदारी फादर वाली होती है वो आपके पार्टनर को ही अदा करनी पड़ी, सब है फैमिली है सब कुछ है, लेकिन किसी किसी के लिए यहाँ पर पेरेंट्स नहीं थे, या तो माँ नहीं थी या फिर पिताजी नहीं थे, या फिर किसी के लिए दोनों ही नहीं थे, ठीक है। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि होते हुए भी सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ा, यू नो सब कुछ आप ही के पार्टनर को संभालना पड़ा। अगर मैं बात करूँ आप दोनों के कनेक्शन की कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार रखेंगे, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो कुछ भी आपके पार्टनर ने अपने लाइफ में, यानी कि बचपन से लेकर अभी तक आपसे मिलने तक जो कुछ भी फेस किया होगा, वो कभी भी आपको थोपेंगे नहीं, ठीक है। जितना उन्होंने स्ट्रगल किया होगा वो उतने ही अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, लाइक अगर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है, तो वो उतना ही अंडरस्टैंडिंग आपको लेके होंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल है, आपको हमेशा टाइम देना, वक्त देना, आपको अगर एक
छींक भी आई, आपको एक तरह से सर्दी भी हुआ, तो तुरंत डॉक्टर की लाइन लगा देना। एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? तो बहुत ही केयर करेंगे, एज अ फ्रेंड आपको ट्रीट करेंगे, बिल्कुल पक्के दोस्त की तरह। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं कपल, कितने प्यार से बैठे हुए हैं, दिख रहा है आपको ये? और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो उनके ये उनका ये कप है, उनके रोमांस है, ये इंद्र धनुष है, ये मतलब आप समझ सकते हैं, किसी के लिए जेंडर सेम जेंडर्स भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है? लेकिन आप लोगों के लिए जो भी बॉन्डिंग रहेगी वो बेस्ट फ्रेंड वाली रहेगी। आपके पार्टनर में थोड़ी सी या तो एंजेलिक पावर होगी, अगर एंजेलिक पावर नहीं भी होगी तो वो जो रहता है ना किसी किसी के लिए, मतलब कहीं कहीं पे देखा जाता है ऐसा कि एक शख्स ऐसा होता है जिस जो कि यू नो खानदानी होता है, खानदानी जैसे कि उसको उसके ऊपर बुज़ुर्गों की जो उस खानदान के पर्टिकुलर खानदान के कोई भी जो बुज़ुर्ग रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी कृपा काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो कुछ इस तरह का नेचर मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, आपके पार्टनर में जो पावर है वो पितृ से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, ठीक है? यानी कि आपके जो किसी किसी के लिए बता रही हूँ, ये हर किसी के लिए नहीं है, जो भी होंगे मेल फीमेल, आपके उनके पितृ जो होंगे वो उनके पितृ की कृपा उन पर काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी इंट्यूटिव होंगे। हो सकता है वो कभी कभी किसी को होता है किसी फैमिली में, इंडियंस में ऐसा माना जाता है सवारी वगैरह आना, तो ऐसा कोई हो सकता है उनको, ठीक है? और लेकिन काफ़ी अध्यात्म होंगे, पाठ पूजा काफ़ी करने वाले होंगे या होंगी, ठीक है? भगवान को काफ़ी मानेंगे, लेकिन किसी किसी के लिए भगवान को आपके पार्टनर दिल से मानेंगे लेकिन इतना पाठ पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट कार्ड आया है। हर्मिट एम्परर एंड हर्मिट कार्ड का अगर कॉम्बिनेशन में देखूँ तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे, आपकी इमेजिनेशन या मेरे इमेजिनेशन मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके से ज़्यादा इंट्रोवर्ट, ठीक है? यानी कि अगर आप 100 बात कहोगे तो वो आपको रिप्लाई में केवल एक स्माइल देंगे, समझ रहे? इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। ऐसे नहीं कि आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आपकी बातों में या फिर टरकाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि भाई तू निकल यहाँ से, हाँ ओके ओके बस ओके जा तू जा, नॉट ऐसा वाला, ठीक है? मतलब एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, कैसा कि एम्परर कार है, हर्मिट है, आपने बोला आपकी बात अच्छी लगी मुस्कुरा दिए, आपकी बात नहीं भी अच्छी लगी तो भी मुस्कुराती है ना, उस टाइप का नेचर मुझे लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट और पर्सनैलिटी वाइज काफ़ी अच्छे इंसानों की, मतलब अंडरस्टैंडिंग, आपको सपोर्ट बहुत करेंगे। अगर आप फीमेल मुझे देख रही हैं यहाँ पर, तो होता है कभी कभी कुछ लोगों के लिए कि भाई परमिशन नहीं मिलती है आके जॉब करने की किसी किसी के लिए, लेकिन आपको यहाँ फुल सपोर्ट होगा, दुनिया में कोई कुछ भी कहे लेकिन आपके पति आपकी पत्नी का फुल सपोर्ट होगा आपको, ठीक है? आप भले मेल देख रहे हैं तो भी मैं आपसे कहूँगी, होता है कुछ कुछ चीज़ों में कि आपके किसी को भी आपसे परमिशन नहीं मिलती है भले आप मेल देख रहे हैं तो भी, लेकिन आपकी वाइफ हमेशा आपको सपोर्ट करेंगी, ऑलवेज। सच बता रही हूँ, आपको आइडियल हस्बैंड या वाइफ मिलेंगे आगे चल के, जो भी आप हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करता भी है तो भी आपके पति या पत्नी को पता होगा किस तरीके से उस इंसान को बाहर का रास्ता दिखाना है, ठीक है? मान लीजिए कि आपकी तरफ से कोई व्यक्ति गया आपके हस्बैंड के पास, आप उनको झूठी झूठी बातें बताने की कोशिश की जो आप एक्चुअल में नहीं हो, आपके हस्बैंड या वाइफ में इतनी अकल होगी कि वो उसको समझा देंगे अपने काम से काम रखो, ठीक है? क्योंकि उनको पता होगा कि आप कैसे हो, आपका नेचर क्या है, आपका ट्रू साइड क्या है, उनको पता होगा, तो वो किसी को किसी की भी बातों में नहीं आएंगे। ये उनका एक बहुत अच्छा स्टाइल होगा, मुझे काफ़ी इम्प्रेस कर रहा है ये चीज़। क्यों? क्योंकि भाई ये इतनी अच्छी क्वालिटीज होना बहुत अच्छी बात होती है, फिर ऐसे लोगों में कभी झगड़े वगैरह नहीं होते, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहती है ऐसे लोगों में। चलिए अब देखते हैं आपके ऊपर से जो मैसेज हैं आपके यूनिवर्स के या फिर आपके इंसिस्टर्स के क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं। इस कार्ड से नहीं, हम दूसरे डेक से देखेंगे, इसको मैं शफल करके रख दूँ ताकि जो एनर्जी थी वो चली जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट रीडिंग। मुझे जस्ट अभी वीडियो के टाइमिंग में 3333 दिखा है, तो मास्टर नंबर है ये, बहुत मेजर मास्टर नंबर है, तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि ये काफ़ी लकी रहे नंबर, थ्री नंबर, या फिर अगर हम 33 को प्लस करें तो, ठीक है? चलिए देखते हैं आपके इंसिस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, ये तो पाइल फर्स्ट में भी आया था, इसमें भी आ गया है, तो किसी ने लगता है या तो दोनों पाइल चूज़ की हैं या फिर आप भी कोई हीलर हो सकते हैं या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ फ्यूचर में जो होने वाले हैं वो कोई हीलर हो सकते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। स्प्रिंग,
ओके आप में से अगर कुछ लोग चाहें तो रोज क्वार्ट, एमेथिस्ट एंड रेड टाइगर आइक्वा पहन सकते हैं, ठीक है। बॉटम में जो कार्ड हैं वो बड़े ही अच्छे कार्ड हैं। आप में से जो लोग देख रहे हैं, मुझे काफ़ी लोग देख रहे हैं आई नो, लेकिन उसमें से कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए जो गाइडेंस होते हैं वाटर एंड फायर, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। आप ऐसे कुछ लोग की शादी पेरेंट्स के पसंद से होगी, बिल्कुल करेक्ट आया है, किसी किसी के लिए, नॉट सब के लिए, क्योंकि 5 सेकंड के लिए लव मैरिज भी होगी। अगर आप अरेंज लव करना चाहते तो वो भी हो जाएगी, और सबसे बड़ा अगर आप अरेंज के लिए हैं तो वो भी हो जाएगी, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी लकी रहेगी। मैं ये नहीं कहूँगी बाकी के लकी नहीं है, अगर आप डाउट में हैं कि भाई कैसी क्या बॉन्डिंग होगी अरेंज मैरिज के थ्रू, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, निश्चिंत रहें, चिंता त्याग दें, ठीक है। आपके अरेंज से भी काफ़ी अच्छी मैरिज होगी। अगर आपने अपने पास्ट में दोस्ती को लेकर, या फिर किसी किसी को बचपन से ट्रॉमास फेस करने पड़ते हैं, स्कूल में रैगिंग वगैरह चलती है किसी किसी की, या फिर बचपन से कुछ अब्यूज़िव रिलेशंस फॉलो किए होते हैं, लाइक किसी ने भी गंदा टच कर दिया तो वो चीज़ मन में बैठ गई, कुछ भी है इस तरीके का, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग इन सारी चीज़ों से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और या फिर आपके पार्टनर की जो कंपनी होगी, काफ़ी आपको हीलिंग काफ़ी ज़्यादा देगी वो, यू नो, और आप जब उनसे जुड़ेंगे तो अपने पास्ट के जितने भी ब्रोकन आपने इश्यूज़ देखे हैं, आपको तोड़ देने वाले जो रिलेशन आपने देखे हैं, उनसे आप मूव ऑन कर जाएंगे। ये पता नहीं कि मुझे किसके लिए दिख रहा है, कहाँ, कैसा, क्या, लेकिन हाँ ऐसा है, ठीक है। और आपको अपनी रियलिटी पर, मीन्स आपके लाइफ में जो आपके पार्टनर होंगे, आपको आपकी रियलिटी पर ट्रस्ट करना सिखाएंगे। आपके जो हस्बैंड होंगे, आपके जो वाइफ होंगे, या फिर कहूँ फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि किसी के लिए सेम जेंडर्स भी हैं, तो यहाँ पर आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट कैसे बढ़ाया जाता है इस पर काफ़ी ज़्यादा आपको बताएंगे। एनर्जी कैसे ब्लॉकेज जो होती हैं, वो कैसे अनब्लॉक किया जाता है। आप में से कुछ लोग रेकी हीलर हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो हथेली है, जो आपका पाम है, उसमें कोई एक ऐसी पावर है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से, मतलब कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए किसी इंसान का सर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है, और आप अगर हाथ मात्र फेर देना तो उसको आराम मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के ये जो हथेली होती है, इनमें कोई एंजेलिक पावर है, लाइक दिस, ठीक है। हो सकता है कि आप में कुछ हो, मतलब एक रेकी हीलर टाइप जैसा कुछ हो आपके अंदर एक एनर्जी, ठीक है। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, मे बी रेकी हीलर या रेकी मास्टर हो सकते हैं, वो सिखाते भी होंगे, हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल टीचर हो। डॉक्टर भी स्पिरिचुअल में ही आते हैं, क्यों, क्योंकि उनको भी तो भाई, वो भी तो लोगों को ज़िंदगी देते हैं ना, मौत के मुँह से निकाल कर लाते हैं नई ज़िंदगी देना, तो एक डॉक्टर भी हीलर्स ही कहलाते हैं। ओके, आप को आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस, आप कौन हो, रियली में कौन हो, ये आपको ढूंढने में मदद करेंगे। यानी कि आपका लाइफ पर्पस, कुछ लोगों के लिए, आप कुछ लोगों को तो आपको पता है पहले से, आपको बचपन से पता आपका लाइफ पर्पस क्या है, लेकिन यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोगों को अपना लाइफ पर्पस नहीं पता है, तो आपका लाइफ पर्पस क्या है, ये आपके आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बताएंगे, वो आपको ढूंढने में मदद करेंगे। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे यहाँ, बटरफ्लाई अगर आप देख पाएँ तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे इस इंसान के साथ रहकर आपको, बहुत सारे। आप अपने आप को ना एक अलग लेवल पर महसूस करोगे कि मैं 7वें आसमान पे पहुंच गया हूँ, यू नो, बहुत ही अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, और कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मेरा जो हस्बैंड या वाइफ है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी ना अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, ऐसा कभी भी आपको फील नहीं होगा। चलिए इनिशियल्स देखते हैं और कुछ चांस भी देखेंगे हम आपके लिए। 1, 2, 3,
वन मोर। ओके, मैंने आंखें बंद करके निकाला है तो फिर पता नहीं है मुझे क्या आया है। वन बाई वन करके देखते हैं। वाओ, विंग्स, वन टू एंड और भी है क्या? हाँ, ये भी है। ओके ओके, देखते हैं। देखिए यहाँ पर विंग्स हैं, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर दो विंग्स हैं। सी, आप में से काफ़ी लोग एक्चुअल में फ्यूचर में या तो रेकी मास्टर बनेंगे या फिर आप प्रेजेंट में रेकी मास्टर हैं। यहाँ भी दो विंग्स हैं, वन एंड टू, यानी कि पीछे की तरफ, और इस तरीके से हैं, तो आपको भी मेजर हो सकता है कुछ इस तरह का। ठीक है, ये देखिए विंग्स हैं यहाँ पर। ओके, एंड देन यहाँ पर ये विंग्स हैं। सो काफ़ी, या तो आप में काफ़ी एंजेलिक वो है एनर्जी, या फिर आपके पार्टनर में होगी। यहाँ पर दिल पे पंख लगे हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हो सकता है कि आप जो हैं कॉलेज लाइफ में मिले हो या फिर स्कूल लाइफ से हो, लेकिन आपका जो जो कहते हैं ना दिल चोरी हो जाना, समथिंग लाइक दैट, वो कुछ हो। यहाँ पे की है, तो हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा हार्ट चक्र अनब्लॉक होगा, तो हो सकता है कि पार्टनर आपकी चक्रास को अनब्लॉक करें, क्योंकि यहाँ पे की है, या फिर ई वर्ड से कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पे ई वर्ड, ये मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है। ठीक है, ये पायल फर्स्ट में भी आया था, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए रिवर या फिर समुद्र शास्त्र से जुड़ा हुआ, या फिर समुद्र से जुड़ा कुछ पर्टिकुलर हो सकता है। इसका नाम तो मैं भूल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जॉडिक साइन है, क्या है आपका? लीब्रा है। ठीक है, चार्मिंग हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, आपके पार्टनर चार्मिंग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, लीब्रा है, आई होप ये आपको दिख रहा हो। ठीक है, नाउ लव, तो किसी, जैसे कि मैंने कहा, किसी के लिए लव मैरिज हो सकती है, किसी के लिए अरेंज। इनिशियल्स देख लेते हैं अब आपके। जे पी डब्ल्यू एच ओ वाई W again, K, Z, C, A, S, Y, D, दिनेश, पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दे रहा है, इंडियन नेम है। सी पी डी सी पी, मे बी डी सी पी, एक्स, किसी के लिए एक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है भाई आपकी इनिशियल्स, पास से भी दिखा देती हूँ, देख लीजिए। ओके ओके, सो पायल सेकंड, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा, ध्यान भी रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।